स्टार्ट महात्मा गांधी के द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित की गई। राजनीतिक विरोध के इतिहास में यह एक अद्भुत घटना थी। विराम विश्व मीडिया ने हाथों हाथ लिया। यात्रा के समाप्त होते होते गांधी विश्व विख्यात हो गए थे। टाइम मैगजीन ने गांधी को वर्ष 1930 का व्यक्ति घोषित किया। दांडी यात्रा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। विराम दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया तथा उसको प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा को आरंभ करने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। विराम गांधी ने नमक पर लगने वाले कर को मुद्दा बनाने का निश्चय किया। अंग्रेज सरकार ने 1882 में नमक कानून के द्वारा भारतीयों को नमक इकट्ठा करने व बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। विराम भारतीय नागरिकों को सरकार से नमक खरीदने पर बाध्य किया गया। विराम सरकार का नमक के उत्पादन पर एकाधिकार था तथा इस पर भारी कर भी लगाया गया था। विराम गांधी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा कि यदि सरकार ने नमक कानून वापस नहीं लिया तो वह अगले 10 दिनों में इसका उल्लंघन करने जा रहे हैं। गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ अपनी यात्रा आरंभ की जो लगभग 240 मील दूरी दांडी के समुद्र तट पर समाप्त होनी थी। नेहरू ने लिखा था, गांधी सत्य की खोज में शांत दृढ़ एवं अभय होकर इस तीर्थ यात्रा पर बिना इसके परिणामों को विचारे निरंतर बढ़ रहे हैं। गांधी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे एवं 6 अप्रैल को सुबह उन्होंने समुद्र तट से नमक के 2-3 डले उठाए और नमक कानून को तोड़ने की घोषणा की। गांधी को 4 मई को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। विराम गांधी ने इस आंदोलन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जो असहयोग आंदोलन के बाद में छिन्न भिन्न हो रही थी। विराम सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी में एक मुसलमान के बंगले से की गई। महादेव देसाई के बाद गुजरात आंदोलन की बागडोर इमाम साहेब बवाजीर को सौंपी गई। गांधी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं की भागीदारी रही। महिलाएं गांधी के
व्यक्तित्व से प्रभावित थीं और उनके आवाहन पर राजनीतिक आंदोलन में शामिल हो रही थी। इन्होंने प्रभात फेरियां निकाली, स्कूल कॉलेज बंद करवाए, पुलिस की लाठियां खाई, घायल हुई और गिरफ्तार भी। इलाहाबाद प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू की पत्नी स्वरूप रानी दुबे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसमें लाठी चार्ज हुआ और श्रीमती दुबे घायल होकर मूर्छित हो गईं। विराम। दिल्ली में पंडित नेहरू की सास घायल हुई। लगभग 3630 महिलाओं को इस आंदोलन में भाग लेने पर सजा हुई। इसी आंदोलन में सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि महिला नेतृत्व ने अलग अलग जगह सत्याग्रह को संभाला और देश भर में विख्यात हो गई। विराम। नमक सत्याग्रह ने जन आंदोलन में अहिंसा के सफल प्रयोग को रेखांकित किया। इसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने काफी बल प्रयोग किया, पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा। स्त्री पुरुष एक जगह खड़े खड़े लाठी खाते रहे, महात्मा गांधी की जय बोलते रहे और घायल होकर वहीं पर गिर गए। इसने राजनीति में अहिंसक विरोध के गांधी के प्रयोग की सफलता पर मोहर लगा दी। दुनिया में प्रतिरोध की एक नई सोच व पद्धति का जन्म हुआ, जो आज भी कारगर है। विराम।